So you will see a film based on all these things, but primarily inspired or created on these video testimonials. I want to ask you about the film a little more. What is the style of storytelling? Isme hum kya, are we following a few characters? What are these characters like? Or spine kya hai film ka? Dekhiye, is film ka jo spine hai basically, kya hota hai jab is tarah ka holocaust ya exodus ya genocide, whatever name you want to give it, you know, I'm not very fussy and touchy about names. But politically it's very important what you call it. What you call it. Right. To जब ऐसा कुछ होता है जिसमें कत्लेआम होता है, एक्सोडस होता है, टेंपल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, प्रॉपर्टी सारी जला दी गई है, जब इस तरह का कुछ होता है तो नॉर्मली द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे और डेज टू बेसिकली रिकॉर्ड द टेस्टिमोनियल्स ऑफ द विक्टिम्स. व्हाट अ जस्टिस इज डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी है, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. व्हाट द हेल इज डेमोक्रेसी अगर उसमें जस्टिस नहीं है तो. 30 साल हो गए, अरे भाई आर करो या पार करो, जस्टिस चाहे इनके फेवर में चाहे उनके फेवर में जस्टिस तो करो, कम से कम सजा मत दो, ये तो बताओ कि हाँ भाई कुछ गुनाह हुआ था कि नहीं हुआ था. तो नॉर्मली टेस्टिमोनियल्स करना चाहिए. वो हमारे वॉर टेस्टिमोनियल्स जैसे, वो टेस्टिमोनियल्स हमारे यहाँ हुए नहीं. तो हम लोगों ने अपने मन में एक ट्रिब्यूनल जैसा बनाया, हमने कहा चलो हम ढूंढते हैं, एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल. एंड जितना सैंपल साइज हमें चाहिए था, तो इट वॉज अबाउट मोर देन 500-570 पीपल समथिंग लाइक दैट. तो उनको उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल वी सेड वी विल गो टू देयर हाउस रादर देन कॉलिंग देम. क्योंकि आप किसी को बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा ये टेबल है, ये माइक रखा हुआ है, अब आप जरा बताइए भाई साहब आपके साथ क्या हुआ था. उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आप अथॉरिटी बन जाते हैं, और दूसरा क्या, फिर वो आदमी भी बढ़ा चढ़ा के बताता है, कहता है अच्छा भाई साहब हमारे साथ तो ये हुआ था. वी डिडंट वांट ऑल दैट. तो हम लोग बड़े प्यार से सबके घर जाते थे, खाना खाते थे उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, एंड वी यूज टू रिकॉर्ड देयर टेस्टिमोनियल्स. उसके बाद हमने कहा कि भाई लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, ये करते हैं, तो उसमें जो कॉमन डिनोमिनेटर है, ये जो कॉमन है सबकी स्टोरीज में, पहले तो उन एलिमेंट्स को निकाला जाए. ये ना जैसे कुछ एक किस्से हैं बड़े फेमस हैं, वो फिल्में आप देखेंगे, सो उन सबको निकाल लिया. उसके बाद हमने कहा अच्छा ये मीडिया इसके बारे में क्या बोलता है. फिर मीडिया ने भी जिनको कोलैबोरेट किया फिर उनको निकाल लिया. तो आउट ऑफ 576 मल्टीप्लाइड बाई 2 or 3 एक घर के हिसाब से सो मेनी स्टोरीज. उसके बाद वी पिक्ड अप सम ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑथर बुक्स ऑन दिस. चाहे वो बशरत पीर की बुक हो, चाहे वो राहुल पंडिता की बुक हो, चाहे वो जगमोहन की बुक हो, या वहां के और सारे बड़े सारे लोगों की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं उसके ऊपर. उनमें से महरूफ रजा की बुक है, ये सारी लेके देन वी सेड व्हाट डज काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू टू दिस. कश्मीरी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके, वो क्या कहते हैं. समझो फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज है, कॉल साहब थे प्रेमी साहब, उनको और उनके बेटे को पेड़ पे वो कीला मार के लटका दिया गया था. तो महाभारत रामायण का उर्दू में ट्रांसलेशन कर रहे थे, उनकी बहुत बनती थी मुस्लिम लोगों से क्योंकि वो हमेशा उनके ऊपर कविताएं लिखते थे. अब ये पेपर में भी न्यूज है, ये ऑल द 570 पीपल हैव टोल्ड अस, ओके दिस जगमोहन आल्सो रिपोर्ट्स इट. और जो मुस्लिम लोग हैं वो ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ था. वो उसको जस्टिफाई करते हैं ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे ये रीजन था, वो रीजन था, ये रीजन था, ये तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली था. So, मैं ये कह रहा था कि इट्स टू अर्ली फॉर मी टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, पर मैं तुमको बताता हूँ मैंने क्या किया है, सो दैट यू अंडरस्टैंड. अब इतनी सारी स्टोरीज अलग अलग टाइमलाइन में हुई हैं और अलग अलग लोगों की हैं, सब में एक सोशो पॉलिटिकल थ्रेड भी है सबका. यू इफ आई स्टार्ट टेलिंग दो स्टोरीज इंडिपेंडेंटली देन इट विल बिकम लाइक सिनेमेटिकली डॉक्यूमेंट्री सा फील आ जाएगा. Then you can't reach such a large audience, global audience. Right. So what I have done is that I have created a protagonist which is based on somebody's story. And through that protagonist, I have put all these events and incidents into one timeline and one thread as if it's all is happening with him. Right. Like, और इस तरह से ये जायज भी है, creatively कोई इसमें problem नहीं है. हाँ, ये storytelling का तरीका होता है.
If you want to show your support for conversations of these nature, if you think I'm doing a good job, if you want to help me and my channel and my guestship get better, please subscribe to the channel, please comment, please like, engage with my content. Thank you so much for watching.